सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो गए और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं आज बहुत ही अनोखी जगह पे, मतलब बहुत ही ठंड रही थी वहाँ पे। और मेरे साथ में चांद भाई और सतीश भाई हैं, और अपने साथ में दो बाइक और है जो अपने नए फ्रेंड है। उन अभी एक्चुअली वो पीछे रह गए, हम लोग रोड अच्छा मिला था तो हमने काफ़ी कवर कर लिया, क्योंकि हम लोग रात में निकले थे, 2 या 2:30 बजे के टाइम पे हम लोग निकले थे, और 156 किलोमीटर अभी तक हमने कवर कर लिया है। और देखो सूरज दादा भी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग वो दिख रहे होंगे शायद आपको झाड़ के इसमें। और अभी हम लोग रुके हैं टी ब्रेक के लिए, रात में भी रुके थे एक जगह पे, और बीच में तो एक्चुअली वीडियो इसके लिए नहीं बना क्योंकि पूरा मतलब एकदम ये ख़राब था, मतलब यार समझो ना ज़रा, थोड़ा समझ के लो थोड़ा। पहाड़ी मतलब पहाड़ी एरिया, पूरा फॉग आपको दिख रहा होगा, तो वीडियो बनाने का तो कुछ ये बनता ही नहीं था, क्योंकि मेरा वाइज़र है जो उसके ऊपर भी पूरा फॉग जम रहा था, तो इस वीडियो भी क्या ही बनती। और यार ये ट्रक तो ऐसा आ रहा है ना कि पता नहीं आवाज आएगी कि नहीं आएगी। चलो अभी चाय वाय पी लेते हैं उसके, और फिर भाई लोग आ जाएंगे फिर निकलेंगे आगे। ओके चलो आ गए अपनी चाय, अभी चाय वगैरह पीते हैं, इंजॉय करते हैं चाय मस्त एकदम ठंडा ठंडा, क्योंकि क्लाइमेट भी यहाँ पे बहुत ठंडा है, और चाय भी गर्मा गर्म पीते हैं और फिर निकलते हैं। ये आदमी कट होएगा वीडियो से। और गाइस देख सकते हो पूरा फॉग है एकदम, मतलब पूरा फॉग है चारों तरफ, अपने बाइक पे भी पूरा देखो फॉग, जब पूरा पानी पानी हो गया मेरी आंखों पे भी। वाइजर क्योंकि वाइजर खोल के चला रहा हूँ ना तो पूरा मुंह पे पानी पानी हो गया पूरा वाइजर पे देख सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए महाबलेश्वर वाले रोड पे, और पीछे का व्यू देखो पूरा एकदम फॉगी है और पूरा घाट है उस तरफ, और यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक। अभी एक्चुअली एक बाइक के पीछे छूट गए थे, आ गई एक बाइक और बाकी है छूट मतलब आने के लिए, तो वो आ जाएगी तो फिर साथ में निकलेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 35 किलोमीटर और है, तो अभी हम घाट चढ़ रहे हैं। चलो अभी मिलेंगे डायरेक्ट अभी आपको महाबलेश्वर हमारे जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज का दिन तो इतना खास है कि बता नहीं सकता, पीछे का मौसम आप देख रहे होंगे, दिख रहा है ठंडी ठंडी यहाँ पे। और ये समीर भाई के मौसी का घर है, हम यहाँ पे रुके, बहुत ही ब्यूटीफुल घर है, इन्होंने अभी रिसेंटली बनाया हुआ है एकदम खेती के बीचों बीच में। ये देखो चारों तरफ खेती है, और सूरज दादा भी आ गए, अभी चाय जस्ट पिया, अभी सब लोग 3-4 जन गए वो नदी में नहाने के लिए, और समीर भाई वो सोए हुए। तो अभी अपन जो भी सब आ जाएंगे तो बिना सस्ता करते फिर यहाँ से निकलते हैं। जाओ जरा अंदर का दिखाओ, ये बैक साइड से ये देखो यहाँ पे खेती है पूरा, वहाँ पे शायद मिर्ची की खेती है, और सुबह सुबह तो मोर और काफ़ी बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं फुली एनर्जी लोग हैं। यहाँ पे अपना सामान रखे सब, मेरा हेलमेट और बाकी सब देखो जैकेट वगैरह वहाँ पे लटकाया है। ये दो जन अभी सोए पड़े ट्रेनिंग में। चलो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से, अभी मेरी गाड़ी नहीं ले रहे, ये 3 बाइक ले रहे हैं, और एक बाइक अपनी पंचर हो गई थी तो वहाँ पे खड़ी है, उसको जाके बनवाएंगे फिर वापस आएंगे, जाते हैं मंदिर वगैरह और जो यहाँ का लोकेशन है वो घूमते। चलो अभी दिखाता हूँ आपको एक से एक व्यू। ये अभी चांद भाई की बाइक वॉर्म अप हो रही है, हो गई ऑलमोस्ट, अभी बस निकलते ही। चलो चांद भाई निकलते हैं। वो पूरा चावल का खेती है, राइस का, और मैं बैठा हूँ चांद भाई के पीछे, इन्होंने बनी हेलमेट पहना हुआ है। आगे का व्यू भी देखो, पूरे चारों तरफ यहाँ पे ना खेती, और
पूरा हिल एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। बैठे हैं बाइक पे और पूरा घाट चढ़ रहे हैं चांद भाई और मैं। ये गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा था, विदाउट हेलमेट तुम गाड़ी चलवा रहे हो। ये देखो इनका हेलमेट इधर और ये विदाउट हेलमेट चला रहे बाइक, इनको मारना पड़ेगा फाइन। और पीछे का व्यू और आगे व्यू क्या। तो गाइस अभी हम लोग गए उस घाट पे जहाँ से महाबलेश्वर जाने के लिए जो रोड है रास्ता, उस घाट पे। और भाई अपने जो इज्जत ही नहीं है, ये भाई ने हेलमेट और मतलब ऐसा लेके आया है कि पब्लिक इनको ही देख रही है, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। गाली दे, गाली का गाली दू क्या? थैंक यू तुमको गाली दे। चलो मिलते हैं। अभी देखो पूरा व्यू है यार, चारों तरफ है एकदम पहाड़ी पहाड़ और एकदम फुल नज़ारा, फुल मौज में। और पब्लिक गोज गोज में आए तो हमारी वाली हो गई, हरियाणा वाली हो गई। तो बोल हम तो मौज में और पब्लिक गोज में। ओ भाई साहब जय बाबा की, करोड़ों रुपए की बात, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा। देखो अभी हम लोग जस्ट मतलब महाबलेश्वर पहुंचने वाले थोड़े से टाइम में। यार ऐसे नज़ारे कहाँ देखने मिलते हैं यार जल्दी। वो देखो आपको दिख रहे होंगे सामने बंगलोज वगैरह ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। हम भी महाबलेश्वर में एंट्री कर चुके हैं, अभी सबसे पहले करेंगे हम महादेव जी के दर्शन। पहले जा रहे भोलेनाथ मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे। ओके चलो दिखाता हूँ मंदिर में, डायरेक्ट मंदिर मिलते हैं। सो गाइस अभी महादेव मंदिर तो हमने एक दर्शन कर लिया था, अभी आए हम महाबलेश्वर मंदिर जो महादेव जी का है। यहाँ पे आए पीछे अंदर दर्शन करके आ गए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसके लिए अंदर का वीडियो नहीं लिया। और ये पीछे का लोकेशन और ये साथ में चांद भाई, हम दोनों साथ में घूम रहे, बाकी लोग पता नहीं कहाँ घूम गए। पंचगंगा घूम गए वो लोग पंचगंगा घूम गए। ठीक है घूम गए, नहीं घूमने गए पतलो। चलो अभी मिलते हैं दूसरे लोकेशन पे। हाँ चलो मिलते हैं अभी दूसरे लोकेशन पे, अच्छे वाले पॉइंट पे। ओके ये तो बहुत ही मस्त है मंदिर, बहुत पुराना बाबू। ओके अभी जस्ट दर्शन करके आ गए महाबलेश्वर मंदिर का, और अभी जा रहे प्ले ग्राउंड में एनिमल किंगडम अंदर जा रहे, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है जाके। ये देखो बहुत सारे वो गन शॉट भी है। सही है जंपिंग का भी है। बहुत ही मस्त जगह है, बच्चे लोग के लिए तो खेलने के लिए, बड़े भी खेल सकते हैं, पर अपने को खेलने का नहीं अभी टाइम नहीं है। टाइम है 1:30 बज गया है और अपने को जाने का और आगे बहुत सारे पॉइंट घूमने। ठीक है चलो मिलते हैं अभी आगे वाले पॉइंट पे। भाई बच्चा डर रहा है, बच्चा डर रहा है। ये सुदेश देखिए मत
हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से महाबलेश्वर से और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। एक्चुअली रात का 1:30 बज रहा है और मेरे फ्रेंड लोग आगे चले गए हैं। मैं और चांद भाई साथ में हैं। हम लोग रुके थे समृद्धि होटल में जो 1:30 बजे तक चालू रहता है, मिलता है सतारा रोड पे। तो अभी मिलते हैं आपको डायरेक्ट मुंबई में, क्योंकि काफ़ी थक गए और पूरा फुल इंजॉय कर लिया। तो अभी निकलते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर।